एक्चुअली इनको जो है इंग्लिश नहीं आती है. शाशा, नाइस नेम. थैंक यू. कृष्णा. इस फर्स्ट डे के अंदर मैंने कवर किया है, एक्सप्लोर किया है व्लादिमीर को. और मैं हो चुका हूँ रेडी और जा रहा हूँ मैं लंच करने के लिए. रेस्ट करने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ लंच करने के लिए और मैं जा रहा हूँ सिलवाया. मॉस्को से थोड़ा सा अलग वाइब्स है. ऑब्वियसली वो एक बहुत बिग सिटी है, एक स्मॉल सिटी है. ये मैं पहुंच चुका हूँ सिलवाया. बेकरी शॉप या मोसना मैंने इस कर्जी पे गदे चलवाया. तो ये सारा फूड है. और ये आप यकीन नहीं मानेंगे, मॉस्को से बाहर आते ही जो फूड है वो भी थोड़ा सा चीप हो गया है. और मेरे सामने है एक हफ्ते का म्यूजियम. ये भी एक यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. ये साफ है तो ओपन रहता है. तो मैंने पूछ लिया वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. यहाँ पर जो है चार्जेस है वो 200 रूबल्स है एडल्ट के लिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 100 रूबल्स है. वन पीछे डू यू स्पीक इंग्लिश? सो कैन यू टेल मी अबाउट समथिंग? परफ्यूम्स. ये जो है सारे परफ्यूम्स की बॉटल्स है. व्हाट्स योर नेम? Как вас зовут? Саша. Саша. Nice name. Thank you. This is Sorry? This picture is a postcard perfume company. And who is this charming man? This is Ernest. Ernesto? He was perfumer. Okay, he made perfumes here. Yes, yes. Your favorite perfume, your favorite bottle? My favorite perfume is Snowdrop. Okay. Thank you very much for this information. मैंने आपको बताया जो बॉटल्स है वो कोई मेडिसिन के लिए नहीं, वो सिर्फ परफ्यूम्स के लिए है और बहुत ही खूबसूरत बॉटल्स थी. Could you please tell me about this place? You are in the old pharmacy, old state pharmacy, the first pharmacy in Vladimir, in the city of Vladimir, and it was opened in 1805, closed in 2010. गाइज मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि जब मैं ऐसे किसी म्यूजियम में आया हूँ और वाकई मुझे यहाँ कर बहुत अच्छा लगा. आप भी आइए, देखिए इनकी हिस्ट्री कैसी है, किस तरीके से यहाँ परफ्यूम बनाए जाते थे उस टाइम पर. ये पहली बार है जब इस तरीके का मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है. Hi.
this is such a nice place, very beautiful. दूर दूर तो सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं. ये भी एक कैथेड्रल है जब आते हुए मैंने आपको दिखाया था. This is something different I am experience. तो guys, मैंने आज एक्सप्लोर किया एक म्यूजियम जो कि अब तक का म्यूजियम है. एक यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, कभी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था. अब सामने आ ही गया है तो अरे बेइज्जती हो गई यार ये तो. ये जो है इसकी टेक्निक जो है थोड़ी अलग है. तो हल्का सा इसको पुल करना है सिर्फ और पानी आपका आ जाएगा. तो ये म्यूजियम में विजिट करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ गोल्डन गेट की तरफ. गाइस मैं पहुंच चुका हूँ गोल्डन गेट. यही वो गेट है जिसके बारे में मैंने नेट पर भी पढ़ा था, कहीं उसे सुना भी. ये गेट बड़ा ही ओल्ड और यूनिक लगा मुझे. और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ टूरिस्ट है इसके अंदर भी जा रहे हैं. अभी ये नहीं पता इसके लिए अंदर जाने के लिए कुछ टिकट है या नहीं है. वहाँ जाता हूँ पूछता हूँ. एक्सकूर्सिया टूर पामूजे. ये जो गोल्डन गेट है आपका 1158 1158 से 1164 के बीच में बनाई है. और ये है क्रिस्टल म्यूजियम. म्यूजियम्स तो यहाँ दुनिया भर के है यार. आई एम फ्रॉम इंडिया एंड वेयर आर यू फ्रॉम. एक्चुअली इनको जो है इंग्लिश नहीं आती है. तो अतकुदावी गोरद. ये कुछ बच्चे यहाँ फाउंटेन का मजा करते हुए. एक छोटे से शहर में भी इस तरीके के फाउंटेन बनाए हुए तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट किस लेवल पर जाकर काम करती है. अब गोल्डन गेट मैंने देख लिया है. इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ खास ज़्यादा पता नहीं था. ये 11वीं सदी में बनकर तैयार हुआ था. पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं ये क्रिस्टल म्यूजियम है. लोग यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कि यहाँ एक नया व्लॉगर आया है. अब नया व्लॉगर यहाँ ही नहीं यूट्यूब पर भी नया ही आया है यहाँ व्लादिमीर में. मुझे लगता है कि सिर्फ एक दिन जो है वो इनफ है और उसके आगे अगर आप नेक्स्ट डे यहाँ रुकना भी चाहे तो यहाँ स्टे कर सकते हैं. यहाँ बहुत काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं. सुजाल में मुझे कोई हॉस्टल को कुछ खास नज़र आई नहीं है. हाँ सुजाल एक बहुत छोटा सा एक कस्बा है इनका. वहाँ जाकर आपको सिर्फ आपको जो गेस्ट हाउस है वही मिलेंगे. होटल बुकिंग साइट है उस्तरो वॉक, वहाँ पर जाकर आप अपने जो लिए हॉस्टल होटल्स बुक कर सकते हैं, गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं. हाँ कभी सोचा नहीं था कभी व्लॉगिंग करेंगे लेकिन समहाउ एक प्लेटफॉर्म ऐसा है मुझे लगा कि इसके ऊपर आना चाहिए. जहाँ मैं घूम रहा हूँ कि मुझे एक मेमोरीज जो है वो क्रिएट करनी चाहिए और अपने जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए. गाइस अब मैं जा रहा हूँ इस कैथेड्रल में. ये सच्चा ब्यूटीफुल कैथेड्रल मुझे नहीं पता है अब ये इसका नाम क्या है. और सुविनियर लेने के बाद हम चलते हैं आगे की तरफ. यहाँ एक व्यू पॉइंट है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ. कुछ फोटो किसी को दिखा रहा हूँ तो बता रहे इस डायरेक्शन में है या फिर उसके आगे डायरेक्शन में है. कुछ अभी खास पता चल नहीं पाया. जो एक कैथेड्रल है उसका व्यू बहुत अच्छा आता है तो वही व्यू मैं देखने जा रहा हूँ. तो ये सारे सुविधा है यहाँ पर इनके पास. तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ओल्ड व्लादिमीर म्यूजियम के पास. ये वो म्यूजियम है जिसको काफ़ी देर से मैं ढूंढ रहा था. और मेरे इस तरफ है दो ब्यूटीफुल चर्च जो यहाँ के बहुत ही फेमस चर्च है. तो चलिए एंजॉय करते हैं इस व्यू को भी और पहले इस म्यूजियम को.
गाइस अनफॉर्चुनेटली जो क्लोजिंग टाइमिंग है इसकी 6 है और तकरीबन अब ये टाइम हो चुका है, तो उन्होंने कहा है कि अभी बंद है। गाइस ये है व्लादिमीर चेरी और ये एक सिंबल है एक व्लादिमीर रीजन के फर्टिलिटी के लिए। मुझे लगा कि ये जो व्यू है मुझे उस तरफ से जाकर दिखेगा, तो आई वॉज ट्राइंग टू आस्क एवरी पर्सन कि शुड आई गो देयर, बट समहाउ आई फाउंड दिस प्लेस। रात के 8:30 बज चुके हैं और कुछ मॉन्यूमेंट्स थे जो मेरे बिल्कुल हॉस्टल के पास में थे, मुझे लगा क्यों ना आपको वो भी दिखा दिया। जो ये मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये है द कैथलिक चर्च। हेलो Hello. Как вас зовут? Look, my name is Oleg Poynov. Okay. My name is Александр. Это же Индия. Ассалла. Индия. Индия, брат. Ассалла. Да, Индия. Кришна. Кришна. Харе Кришна. Ye Krishna devotee banne ja rahe lag raha hai. Like India. Like India. Like India. Like Krishna. Like us. Like I really like Russia. Minne ochin niravisya Russia. जो वो तीन बंदे जो आए थे मुझे लगा तीनों के तीनों ड्रंक है, ऐसी जगह पर थोड़ा सा अलर्ट भी रहना पड़ता है। तो ये है द रोमन कैथोलिक चर्च। आप यकीन ना माने लेकिन ये जगह जो कैमरे में दिख रही है उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। दिन के बिल्कुल आखिरी में एट लास्ट ये जगह मैंने ढूंढी ली है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। मैंने आपको जैसे दिखाया मेरे पीछे इतना खूबसूरत नज़ारा है, पूरी वैली नज़र आ रही है। टाउन के अंदर जो मेन अट्रैक्शंस है ऑलमोस्ट वो मैंने आपको दिखा दिए है। आज जो पहला दिन है यह समाप्त होता है यहाँ पर और इस फर्स्ट डे के अंदर मैंने कवर किया है एक्सप्लोर किया है व्लादिमीर को। व्लादिमीर एक छोटी सी सिटी है जो मॉस्को से तकरीबन 280 किलोमीटर दूर है और अगर ये आपको मेरे जो सीरीज़ है रशिया की ये आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नई जर्नी के साथ।